फ्रंट में डिश दिए हुए हैं, फ्रंट में डिश दिए हुए हैं, एनालॉग ब्रेक है और यहाँ पे होंडा का बैच दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा उभरा हुआ है, अच्छा लग रहा है। और पीछे जो दिए हैं, पीछे जो ब्रेक हैं वो ड्रम ब्रेक हैं, तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो अच्छा है। TVS के टायर दिए हैं और जो कलर है बहुत अच्छा लग रहा है। LED टेल लाइट दी है और जो इंडिकेटर दिए हैं इसके साइड के जो इंडिकेटर हैं वो अभी हेलोजन बल्ब में ही हैं और मोनोशॉकर बढ़िया है इसके। और मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, बढ़िया बहुत है बाइक के अंदर। 5 गियर ट्रांसमिशन है इसका। इसका जो वाइजर है वो क्रोम फिनिश में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुकिंग है। और जो इसकी हेडलाइट है, पहले जो आती थी हेलोजन लाइट लाइट में आती थी, अब जो है इसकी दोनों LED में है। और अभी मैं आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं इसकी चाबी ऑन करूँगा तो इसकी जो है LED हेडलाइट ऑन हो जाएगी और इंडिकेटर का भी लुक काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और पासिंग वाली लाइट भी LED है, देखिए जैसे इनको पास करते हैं तो LED हेडलाइट है इसकी, ये काफ़ी अच्छी है। और मैं अगर तो गाइस अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का साउंड साउंड सुनाता हूँ, कितना अच्छा साउंड है, कितना प्यारा साउंड है। और इसमें सिंगल ये स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, इसी से ही बाइक सेल्फ स्टार्ट होती है और इसी से बाइक ऑफ होती है। और स्टार्टिंग का आपको साउंड भी नहीं आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक कब स्टार्ट हो गई, मतलब इतना साइलेंट इसका सेल्फ गियर है गाड़ी के अंदर, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता कि बाइक कब में स्टार्ट हो गई। और बाइक जो है बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और मैं अभी आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, तो देखिए गाइस हमने बटन प्रेस किया, आप इधर आ जाइए ज़रा। तो गाइस हम इसका बटन प्रेस करते हैं, तो गाइस हल्का सा भी साउंड नहीं है बाइक के अंदर, बहुत ज़्यादा साइलेंट इंजन है। और एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो। एक सौ पच्चीस सीसी में बहुत अच्छी बाइक है होंडा की CB। आगे जो कोई लाइट होगी सब इसी के द्वारा होंगी और देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस देती है, पहाड़ों में जब भी मुझे जाना होगा।